नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, निधि कंपनी के कुछ क्वेरीज के बारे में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और होली आप लोग पूरे रंगों से मनाएं, ये रंग हमेशा आपके जीवन में बना रहे और खुशियों का रंग हो, ये मेरी और दीपंकर समददार की पूरी टीम की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सबके लिए। आज कुछ क्वेरी के टॉपिक पे बात करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मेरे कमेंट्स में पूछे जाते हैं निधि कंपनी के बारे में। इसको आज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बार बार रिवर्स करके सुन लीजिएगा अगर क्लियर नहीं होता है तो। एक बार फिर बता दूँ, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, मेरा अधिकार है, कमेंट करिएगा, जवाब ज़रूर देने वाला हूँ। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज, सबसे पहला ये कि क्या हम दूसरे स्टेट के लोगों को हमारी निधि कंपनी में मेंबर बना सकते हैं। आसान क्वेरी है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है, कुछ व्हाट्सएप किए हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि निधि कंपनी का जो परिधि है, जो काम करने का एरिया है, वो एक स्टेट है। स्टेट के बाहर नहीं जा सकता निधि कंपनी। इसका मतलब ये भी है कि दूसरे स्टेट से कोई आ नहीं सकता यहाँ पर निधि कंपनी का मेंबरशिप लेने के लिए। ये कोई नेशनलाइज बैंक नहीं है, ये उस स्टेट के अंदर का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसीलिए इस चीज़ को आराम से ध्यान रखिएगा कि दूसरे स्टेट का बंदे को आप यहाँ पर अपने निधि में सिर्फ मेंबरशिप शो करने के लिए या किसी और पर्पस से मत रखिएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट से होकर आपके स्टेट में आकर आपके एरिया में रहने लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास लोकल एड्रेस आईडी होगा, तो वो लोकल एड्रेस आईडी से आप बिल्कुल अपने यहाँ पर अपने निधि में उनको मेंबर बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेरी आती है, वो ये है कि क्या हम महिलाओं के ग्रुप को जैसे माइक्रो फाइनेंस लोन देती है वैसे ही लोन दे सकते हैं? निधि कंपनी का स्पेशल रूल्स है, जो निधि रूल्स मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताए हैं, आप ज़रूर ध्यान दीजिए। निधि रूल्स के अनुसार आपको निधि के रूल्स फॉलो करने हैं। आप एक जन को लोन दीजिए, दो जन को दीजिए, या फिर 10 जन को दीजिए। विशेष बात फिर से बता दूं कि अनसिक्योर्ड लोन निधि में नहीं दिया जा सकता। निधि में अगर आपको लोन देना है तो आइदर आपके पास जो डिपॉजिट उन्होंने किया है उसके अगेंस्ट में आप लोन दे सकते हैं, दूसरा गोल्ड के अगेंस्ट में लोन दे सकते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी के मॉर्गेज के अगेंस्ट में लोन दे सकते हैं। इसके अलावा कोई नया तरीका नहीं निकालिएगा, है नहीं। अच्छा, ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि गोल्ड का मतलब गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, ये वर्ड डिफाइंड है, गोल्ड सिल्वर और ऑर्नामेंट। पहले कुछ रूल्स में था कि केवल गोल्ड होगा, लेकिन अभी गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, हीरे को भी ऑर्नामेंट्स में कंसिडर किया गया है, इसलिए इसके अगेंस्ट में आप ले सकते हो। अनसिक्योर्ड लोन देने का मत सोचिए, ग्रुप में लोन देना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। और मेंबरशिप लेने के लिए जो पैसे हैं वो रिफंडेबल होंगे कि नॉन रिफंडेबल होंगे, ये क्वेरी भी कई बार आते चले जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेंबरशिप का फीस एक्चुअल में शेयर कैपिटल का पैसा है। अगर आपके निधि में कोई मेंबर बनता है तो वो आपका अंशधारी बनता है, शेयर होल्डर बनता है, इसीलिए वो शेयर के अगेंस्ट में जो पैसा देता है वो उसका इनिशियल मेंबरशिप या शेयर का फॉर्म भरने के बाद आपको उनको शेयर अलॉट करना पड़ेगा। जैसे ही आपने उनको शेयर अलॉट किया, आपका वो मेंबर बन गया, मेंबर बन गया तो अब वो निधि से जुड़ गया है। जो जो फैसिलिटीज़ निधि में पॉसिबल है वो सारी फैसिलिटीज़ के लिए वो हकदार हो गया। ये कोई अजूबा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आपको किसी बैंक में कोई भी लोन या पैसा डिपॉजिट ले लेगा जब आप उनके अकाउंट होल्डर नहीं रहेंगे तो? यस और नो? नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बैंक में भी जाते हो तब भी आपको अकाउंट खोलना पड़ता है, वैसे ही हमारे यहाँ पर भी निधि में भी अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर उसको मेंबरशिप के लिए शेयर खरीदने पड़ेंगे, कम से कम एक शेयर या फिर ओवरऑल वैल्यू 100 रुपये, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, मिनिमम उतने रुपए का उनको शेयर लेना पड़ेगा। तो ये शेयर कैपिटल ही मेंबरशिप है निधि में। बैंक में जाने से एक नॉर्मल फॉर्म भरवाया जाता है आपको अपना ग्राहक बनाने के लिए। इतनी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, और कोई भी क्वेरी है तो आप पोस्ट करिएगा, मैं जवाब देने वाला हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, निधि का काम करना आसान है, निधि
वाला जो रेगुलेशन है, निधि रूल्स है, कौन से दिन गवर्नमेंट बंद कर देगी हम नहीं सोच पाएंगे। इसीलिए ध्यान से जिसको जिसको निधि करने का मन है वो क्वेरी को ज़रूर करें, लेकिन क्वेरी को थोड़ा साइड करके पहले कंपनी फॉर्मेशन कर ले, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने किसी दिन ये नियम बंद कर दिया कि निधि कंपनी अब नहीं बन सकती तो उस दिन प्रॉब्लम हो जाने वाली है। जैसे माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 वाला है, अभी तत्काल में गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही सेक्शन 8 में माइक्रो फाइनेंस वाला, उसमें कुछ रोक है या फिर उसमें उन्होंने अभी सर्टिफिकेट देना रोक के रखा हुआ है, तो ऐसा कुछ निधि के साथ नहीं हो जाए उससे पहले अगर आपने सोचा है तो आप ज़रूर उसमें तुरंत एक्शन लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से बता दूं, दीपंकर समद्दार का ये मिशन है कि भारत में सारे लोगों को वो इन्फॉर्मेशन जो उनको ज़रूरी है उनके बिजनेस करने के लिए, उनके लॉ से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, वो मैं समय पर और बहुत अच्छे से आप लोगों को कन्वे करूं। तो एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।